मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की तहसील आंवला के विकास खंड रामनगर की ग्राम पंचायत तिगरा खानपुर में। जैसा कि आज शिव तेरस है और हम आज आपको दिखाएंगे अटरिया वाले महादेव की तस्वीरें। यहाँ पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आए हैं और यहाँ पर भी हर वर्ष तेरस पर बड़ा मेले का आयोजन होता है। देखिए हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये अटरिया वाले महादेव की तस्वीरें हैं और यहाँ पर शिव तेरस पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ का जो अटरिया वाले जो महाराज की जो शिव तेरस लगती है, हम उसकी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो अटरिया वाले जो महाराज हैं वो रामनगर ब्लॉक के तिगरा खानपुर के अंतर्गत ये स्थान आता है और बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पर शिव तेरस के अलावा भी हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जैसा कि हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये अटरिया वाले महादेव की तस्वीरें हैं और आज शिव तेरस पर बड़ी संख्या पर यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। देखिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। एक श्रद्धालु हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? सुनीता वर्मा जी। कहाँ से आएंगे? कंदापुर से जी। क्या कहना चाहेंगी? भाई रास्ते की सबको दिक्कत हो रही है, अब इन लोगों से भी पूछ लो, सभी लोगों को मतलब आने में कितनी परेशानियां हो रही हैं। यहाँ जैसा कि शिव तेरस के अलावा भी हर रोज श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ जो समस्या है वो रास्ते की समस्या है। अभी देख रहे हो कितनी पब्लिक आ रही है, कितनी परेशानी से आ रही है, और रास्ता सही होगा तो और कितनी पब्लिक आएगी। आप देख सकते हैं कितने भारी मेला लगा हुआ है। जय भोलेनाथ। देखिए यहाँ एक श्रद्धालु हमारे साथ थी, उनसे बातचीत कराई और देखिए जो हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तिगरा खानपुर स्थित अटरिया वाले महादेव की तस्वीरें हैं और यह जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये शिव तेरस का नज़ारा है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दुकानें सजी हुई हैं और क्षेत्रीय लोगों के अलावा भी प्रदेश के कई जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और तमाम तरीके की यहाँ पर जो दुकानें सजी हुई हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अटरिया वाले महादेव का जो आज जहाँ यहाँ पर जो शिव तेरस का मेला लगता है उसकी तस्वीरें हैं। देखिए हम लगातार आपको जो तस्वीरें हैं वो आज दिखाएंगे, यहाँ पर कितना भव्य मेला लगता है अटरिया वाले महाराज पर, उसकी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये जो सारी जो दुकानें हैं, ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर दुकानें सजी हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, हम उससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? कहाँ से आए हैं? गांव से, मजा दौलतपुर जी। क्या कहना चाहेंगे तिगरा खानपुर में एक भव्य यहाँ पर जो आज मेले का जो चल रहा है अटरिया वाले महादेव का जो शिव तेरस पर मेला लगा है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कपड़ा ना हो बढ़िया बढ़िया हो मेला। कब से मेला लगता आ रहा है यहाँ? यहाँ खुलते हैं, खुल साल से लगा हुआ मेला। कितने सालों से लग रहा है? 20-25 साल है। 20-25 सालों से। हाँ यही पता है, दादी को पता ना है। क्या नाम है? मेरा नाम सोनी है। क्या कहना चाहेंगे? मेला साथ जीवन से हमने ऐसे ही देखा तो बस मेला कब चले आ रहे हैं। देखिए ये हमारे साथ श्रद्धालु थे, इनका कहना है कि हमने जीवन से इस तरह का ही यहाँ पर मेला देखा है और श्रद्धालु यहाँ पर हर बार इस तरह से आते हैं और अपनी भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना के लिए दुआ मांगते हैं। देखिए प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं और श्रद्धालु हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? क्या नाम है? भूरा। कहाँ से आए हो? देखिए एक हमारे साथ है दुकानदार, उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? सुरेश कुमार। कहाँ से आए? रामनगर। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ शिव तेरस लगी है। यहाँ शिव तेरस लगती है, हड़ताल ही लगती है और भीड़ भाड़ अच्छी रहती है। आज तो कम है फिर भी। हर बार आते हैं? हर बार आते हैं। कितनी बार तेरस लगती है सावन में? सावन में जो एक बार जो लगती है और फिर उधर लगती है फागुन के महीने में एक बार तेरस, दो बार तो तेरस लगती है। देखिए जो हम आज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अटरिया वाले महादेव की आज जो शिव तेरस पर यहाँ पर जो मेला लगा है, हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम बढ़ते हैं अटरिया वाले महादेव की तरफ और आज आपको दिखाएंगे अटरिया वाले महादेव का भी, हम आपको दर्शन कराएंगे बरेली देहात न्यूज के माध्यम से। देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आज शिव तेरस की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो प्राचीन स्थान है, देवस्थान है,
यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है, हम वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर कितना प्राचीन यहाँ पर मेला लगता है, इसके बारे में भी हम लोगों से जानेंगे। और देखिए तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, हम उनकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में, सुबह से ही आज यहाँ पर 4 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। और इस वक्त 12 बजने वाला है और तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, हम बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? राजराम। कहाँ से आए? सुरपुर। क्या कहना चाहेंगे आज सिक्के रस पर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो सिप्ते रस आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, हम उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। जो तस्वीरें हैं हम वो आज आपको अटरिया वाले महादेव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ के लोगों की माने तो ये सैकड़ों वर्षों से इस तरह से यहाँ पर अटरिया वाले महादेव का जो स्थान है, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और शिव तेरस पर आप जो आज तस्वीरें देख रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा विराजमान है, उसको हम आज आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो भव्य यहाँ पर जो आज मेले का आयोजन हुआ है, आखिर क्या वजह है यहाँ पर इतनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर लोग आते हैं। देखिए हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और दिखाएंगे आज आपके लिए बहुत ही एक माने तो ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, अटरिया वाले महादेव का जो मंदिर है। हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और दिखाएंगे आज आपके लिए अटरिया वाले महादेव का जो प्राचीन शिव मंदिर है, उसकी हम तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए तमाम श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए ये मंदिर है और अभी हम आपको बरेली देहात न्यूज के माध्यम से दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है और यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु आए हुए हैं। देखिए हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और मंदिर में किस तरह से आज यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमाव बढ़ा है और सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए हुए हैं। देखिए ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध लोगों की माने तो हजारों वर्ष पुराना ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है और यहाँ पर हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर आज शिव तेरस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। और तमाम जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका कहना है कि अगर यहाँ के लोगों की माने तो हजारों वर्ष पुराना ये शिव का मंदिर है। और देखिए हम बढ़ते हैं मंदिर में, हम प्रवेश कर चुके हैं, जय हो भोलेनाथ की। देखिए यहाँ पर तमाम श्रद्धालु हैं और किस तरह से आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। ये है प्राचीन शिव मंदिर, लोगों की माने तो हजारों वर्ष पुराना ये प्राचीन शिव मंदिर है। और ये महाभारत काल से, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये महाभारत काल से भी ये शिवलिंग का जुड़ाव है। और देखिए हम बढ़ते हैं मंदिर प्रांगण में ही हम इस समय मौजूद हैं और अभी हमने आपको दिखाया बरेली देहात न्यूज के माध्यम से जो भगवान भोलेनाथ की जो प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है उसकी हमने आपको दर्शन कराए। देखिए ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो मंदिर का प्रांगण है और तमाम श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर आज शिव तेरस के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। देखिए हम बातचीत करते हैं, क्या नाम है? हाँ जी, हेलो। अरे हम तो यहाँ बहुत दूर यात्रा के लिए आए हैं। कहाँ से आए? गंगा पार से आए हैं, थाना मीरगंज से। जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, शंकर भोले के दर्शन हो गए, आप लोगों ने भी हो गए, ये दर्शन नहीं है, सिर्फ तेरह से हर वर्ष आते आते हैं। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनका कहना है कि हम मीरगंज से आए हुए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए। क्या नाम? हमारा नाम लाला राम है। कहाँ से आए हो? रामपुरा थाना मीरगंज से। क्या कहना चाहेंगे? अटरिया महादेव के दर्शन करना है, बढ़िया बात है, यहाँ खुशी चैन से दर्शन हो रहे हैं, सब देखो कितनी पब्लिक है। देखिए यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं हम उनसे आपकी बातचीत करा रहे हैं, एक श्रद्धालु हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे बातचीत कराएंगे। क्या नाम है? कोमल वर्मा। कहाँ से आए? रामनगर किला। क्या कहना चाहेंगे?
बढ़िया सब आयोजन चल रहा। क्या कहना चाहेंगे? भीड़ रहती है, बढ़िया सबसे भले होता है, भला होता है सबका। सरकार हमारे साथ है और इनका कहना है कि यहाँ पर कोई सच्चे मन से आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए यहाँ पर दिन का 12 बज चुका है और श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमाव बड़ा है। एक बाबा हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? कहाँ से आए? आप तो बुजुर्ग भी है और आपको अटरिया वाले महादेव के बारे में विशेष जानकारी होगी, तो क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे बड़े महादेव माने जो पूरे रक्षा करते हैं। क्या कितना पुराना यहाँ पर मेला लगता है? बहुत पुराना, हमारे जन्म से पहले लगता है। आपके जन्म से पहले? जी हाँ, बता दी। तो हर वर्ष आते हैं यहाँ पर? हाँ, हर साल आते हैं। देखिए हमारे साथ श्रद्धालु थे, इनका कहना है कि ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है और इनका कहना है हमारे पिताजी भी यहाँ आते थे, अब वो यहाँ आते हैं। क्या नाम है? मैंने बोल रहा हूँ। नहीं नाम बता दो। तबीयत सही है? देखिए हमारे साथ के तमाम जो श्रद्धालु हैं हम उनसे बातचीत करा रहे हैं। जी भैया क्या नाम है? मेरा नाम कौशिक कुशवाहा। जी कहाँ से आए? सिंगड़ा खानपुर से। क्या कहना चाहेंगे आज भव्य यहाँ पर शिव के रस का आयोजन चल रहा है? हाँ, हमारे यहाँ मतलब ये प्राचीन मंदिर है सर, और ये मतलब ऊपर बताते हैं ये शिवलिंग हमेशा ऐसी देखी हम लोगों ने, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ऐसी देखी थी, और यहाँ मतलब सबका ही भला होता है सभी लोग। देखिए लगातार हम आपको यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करा रहे हैं और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको अटरिया वाले महादेव पर। आज जो भव्य तेरस का आयोजन चल रहा है उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अटरिया वाले महादेव पर आज बड़ा ही मनोरम दृश्य है और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और आज शिव तेरस का शुभ दिन है और देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु ये जो अटरिया वाले महादेव हैं उनके दर्शन के लिए आए हैं। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको ये अटरिया वाले महादेव की तस्वीरें हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। और देखिए जो तस्वीरें हैं आपको, देखिए ये मेला लगा है और बहुत ही मनोरम दृश्य आपको दिखा रहे हैं अटरिया वाले महादेव का जो दृश्य है। आइए हम बढ़ते हैं मेले की तरफ और दिखाएंगे आपको ये जो अटरिया वाले महादेव का जो यहाँ पर शिव के रस पर जो मेला लगता है उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये वही स्थान है, यहाँ के जो लोगों की माने तो ये बहुत ही पुराना स्थान है और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर सच्चे मन से कोई भी श्रद्धालु यहाँ आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ के लोगों की माने तो ये जो स्थान है बहुत प्राचीन स्थान है और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर शिक्षा प्रदान करते थे। यहाँ पर जो तमाम जो यहाँ की जो घटनाएं हैं उसके बारे में भी लोग बताते हैं कि बहुत दिव्य स्थान है और यहाँ पर भोलेनाथ का निवास स्थान है। भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान रहते हैं और किसी भी तरह से अगर व्यक्ति यहाँ आता है, अगर वो सच्चे मन से व्यक्ति कोई आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए ये अटरिया वाले महादेव का जो मंदिर है और आज शिव तेरस पर यहाँ पर भव्य शिव तेरस का आयोजन चल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर दुकानें भी सजी हुई हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और तमाम श्रद्धालु हैं तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये जो अटरिया वाले महादेव का जो आज शिव तेरस पर मेला लगता है हम उसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अटरिया वाले महादेव का जो आज शिव तेरस पर जो भव्य मेले का आयोजन होता है हम उसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ के लोगों की माने तो अटरिया वाले महादेव पर आने के लिए रास्ते की बड़ी समस्या है। रास्ते को लेकर भी यहाँ के लोगों का कहना है अगर यहाँ रास्ता ठीक हो तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं और ये अटरिया वाले महादेव का जो प्राचीन शिव मंदिर है उस पर आज शिव तेरस के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर दुकानें सजती हैं। दूर दूर से यहाँ पर दुकानदार आते हैं और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं।
किस तरह से जो आज मेले का आयोजन चल रहा है शिव तेरस पर, हम उसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक दुकानदार हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? आसिफ। कहाँ से आए हैं? क्या कहना चाहेंगे आज शिव तेरस पर? आपने भी दुकान सजाई है। हमारी हर साल लगती है। हर साल लगती है, बिक्री होती है? बहुत होती है, यहाँ अच्छा मेला लगता है। तमाम हजारों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का मेला बहुत बेहतर लगता है, और जो भी देखना चाहते हैं भाई वो यहाँ और आए, ज़्यादा संख्या बढ़ाएं, मेले की शोभा बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर जो तमाम दुकानदार हैं, तमाम श्रद्धालु हैं, हम उनसे लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। और क्या लोगों का यहाँ मानना है? यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। सुबह 4 बजे से ही आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ है, और दिन का 12 बजने वाला है, और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु हैं, महादेव के दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं, और तमाम जो दुकानदार हैं, तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, हम उनकी भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानें भी सजी हुई हैं। ये जो अटरिया वाले महादेव का जो प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। देखिए ये श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु हैं अटरिया वाले महादेव पर दर्शन के लिए आए हैं, और किस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का आज जमावड़ा है, श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, और तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी क्या नाम है? मोहन लाल जी। कहाँ से आए? टिटौना से। क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत बढ़िया मेला, यहाँ तरक्की पकड़ा धीरे धीरे, एक रोड की कमी है। रोड की कमी है, तो कब से आते हैं आप? हमें 200 साल हो गए, अगर रोड हो जाए तो सब कुछ और ज्यादा बढ़िया। क्या क्या नाम है? नेमचंद। कहाँ से आए? गुलर गाँव से। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहें यहाँ रास्ते आने जाने वाले को सवारी आती है, उन्हें दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए रास्ते की समस्या, रास्ते की समस्या है। और मंत्री जी से कहना है कि रास्ता सही करवा दें। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, हम उनसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, और श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर रास्ते की बड़ी समस्या है। रास्ते को लेकर भी यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनका लगातार ये श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर रास्ते की बड़ी समस्या है, और रास्ता अगर यहाँ पर बन जाए तो तमाम जो श्रद्धालु हैं और संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। लगातार हम आपको अटरिया वाले महादेव की जो तस्वीरें हैं, जो कवरेज है, वो दिखाते रहेंगे, और देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।